अपनी प्रार्थना आई तेरे द्वारे भगवन लेके अपनी प्रार्थना स्वीकारो हे प्रभु स्वीकारो हे प्रभु स्वीकारो हे प्रभु स्वीकारो हे प्रभु आशा की ज्योति जला दे आशा की ज्योति जला दे मन में मेरे नाम दिल में मेरे नाम मन में मेरे नाम दिल में मेरे नाम आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें जो कृपा वरदान प्रभु ने हम पर बरसाई है हमारे परिवार पर बरसाई है हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम सभी वर्ष का चौथवें इतवार में प्रवेश कर रहे हैं और आज के तीनों ही पाठों में हम प्रभु की अनुकंपा प्रभु का प्रेम और प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु कहते हैं कि अपने घर में नबी का आदर नहीं होता है उनके अपने लोग उन्हें अस्वीकार करते हैं। कई बार हम हमारे जीवन में भी यही बात को पाते हैं जिनके साथ में हम उठते हैं बैठते हैं जिनके साथ में हम रहते हैं शायद वे हमें एक्सेप्ट करने के लिए उतने तैयार नहीं रहते हैं। कई बार हम हताश हो जाते हैं कई बार हमारा मनोबल टूट जाता है लेकिन प्रभु आज के वचनों के माध्यम से हमें कहते हैं कि हमें हताश नहीं होना है। जो कार्य के लिए ईश्वर ने हमें चुना है हमें उस कार्य में सदा बने रहना है और वह अपनी प्रज्ञा से अपने विवेक से अपने सामर्थ्य से अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से हम सभी को संचालित करेगा और हमें संयुक्त करेगा ईश्वर के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों आज हम अपने आप को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें। जब भी हम परेशान हो जाते हैं चिंतित हो जाते हैं व्याकुल हो जाते हैं हमारा मन विचलित हो जाता है हम टूट जाते हैं हम प्रभु को अपने आप को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करते हुए प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु आप मुझे एक मिट्टी की तरह एक कुम्हार की तरह मुझे बनाइए मुझे अपने सानिध्य में रखिए जिससे कि मैं आपके वचनों पर विश्वास करके चल सकूं। क्वेश्चन मौन रूप से हम अपने आप को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें। भाइयों और बहनों हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से
घोर पाप किया है, इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। आए पास तुम्हारे, आए पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। परमेश्वर की महिमा ऊंचाई पर व्यापी, इस धरती पर पाई शांति हितैषी सारी। हम तेरा गुण गौरव गाते, धन्य हम तुझे मनाते, तेरे पूजन में रम जाते, हम तेरी महिमा को ध्याते। धन्यवाद हम देते तुझको, तब विराट महिमा के कार। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमय पितु परमेश्वर, प्रभु यीशु कृष्ण धन्य है, हे इकलौती सुवन पिता की, परम मेमने परमेश्वर के, परम पिता की बेटे ईश्वर, जिसने हरे पाप दुनिया की, दया वही प्रभु हम पर कर दे। जिसने हरे शाप दुनिया की, विनती रही हमारी सुन ले, जो की बैठता पितु के दाई, करुणा करे वही प्रभु हम पर, क्योंकि परम पावन केवल तू ही है प्रभु स्वामी, केवल तू सबसे ऊंचा है। हे प्रभु यीशु कृष्ण दयामय, पावन आत्मा संग विराजे, तू महिमा में परम पिता की, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता करके हम तुझे सारे हृदय से प्यार कर सके, जैसे तू सभी मनुष्य को प्यार करता है वैसे ही हम भी सबको प्यार करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संगे के ईश्वर होकर
युगानियुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुले जैसे आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ। ईश्वर नबियों को चुनकर यहूदियों को अपना संदेश सुनाने भेजता है। इसी तरह यीशु ने अपने शिष्यों को सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। नबियों की तरह ही धर्म प्रचारक विचलित नहीं होते, क्योंकि उन्हें दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर उनके साथ है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4-5 और 17-19 तक। प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दूं। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा, यह प्रभु का कहना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। प्रेम तुम्हारे पास है तो बांटोगे, द्वार हृदय के खोलो प्रभु को पाओगे। प्रेम तुम्हारे पास है तो बांटोगे, द्वार हृदय के खोलो प्रभु को पाओगे। तन मन धन से ध्यान प्रभु का धर लो जी। खून बहा कर भी सेवा रस घोलो जी। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। दूसरा पाठ। ईसाई धर्म का सार यह है, ईश्वर को तथा पड़ोसी को प्यार करना। संत पौलुस अपने पत्र में प्रेम की प्रशंसा करते हैं और इसके अभाव में हर प्रकार की धार्मिक साधना निरर्थक घोषित करते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 वाक्य 31-13। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है, अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, उनमें से
प्रेम ही सबसे महान है। आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव हो तो मैं खनखनाता घड़ियाल अथवा झंझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ। मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव हो तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है और ना डिंग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदा आचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढाक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणियां जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणियां अपूर्ण हैं। और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातों को छोड़ दिया। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह से पूर्ण रूप से जान पाऊंगा जिस तरह से ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें से प्रेम ही सबसे महान है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु सभागृह में उपस्थित लोगों से कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़े और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, ए वैद्य अपना ही इलाज करो, कफरनाऊम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं
कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा, तो उस समय इसराइल में बहुत सी विधवाएं थीं, फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सिदोन के सरिफ्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियस के दिनों में इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामक निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हो गए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से करीब 4 साल पहले एक छोटा सा कैंप लगा था। बच्चे आए थे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे से बच्चे जो 12वीं कक्षा तक का पढ़ाई करते थे। उनसे मैंने एक प्रश्न पूछा था, प्यार क्या होता है? और आपको तो मालूम ही है, बच्चे लोग आज के नेटफ्लिक्स वाले हैं और अमेज़ॉन प्राइम देखते हैं और टीवी में काफ़ी रुचि लेते हैं और प्यार की भरी परिभाषा बहुत अच्छे से जानते हैं। जब एक बच्चे से पूछा गया कि प्यार क्या होता है, तो वह लड़के ने अच्छे से सबके सामने, 200 बच्चों के सामने खड़े होकर कहा, जब हम किसी को देखते हैं तो वायलिन बजता है, बारिश होती है और ऐसा लगता है कि हम बहुत ही अच्छे वातावरण में जा रहे हैं। मैंने बोला वेरी गुड, कितनी बार लगा? तो वो बैठ गया। फिर एक लड़की से पूछा, प्यार क्या होता है? प्यार कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे दिल को शांत करती है। जब हम कुछ काम करते हैं तो उस व्यक्ति की शक्ल हमारे सामने आती है, रात को नींद नहीं आती है, दिन को चैन नहीं आता है। मैंने बोला वेरी गुड, आपको कितनी बार हुआ? उसने कुछ नहीं बोला। फिर एक लड़का बहुत हलचल में था, तो मैंने उससे पूछा, प्यार क्या होता है? फादर, प्यार सादगी है। मैंने बोला वाह, कैसी सादगी? वो हो जाता है। मैंने बोला वेरी गुड। फिर मैंने 200 बच्चे थे उनसे ये पूछा, कितनों को प्यार हुआ है? तो कुछ 40-50 बच्चों ने हाथ ऊंचा करा। मैंने बोला वेरी गुड, किसी को तो हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा, बस प्यार यही होता है कि किसी को देख के किसी को। फिर एक लड़की ने बहुत अच्छा जवाब दिया, फादर प्यार वह होता है जब हम किसी और को अपनी आंखों में बसाते हैं और उसकी आंखों में अपने आप को देखते हैं। मैंने बोला ये तो बहुत अनमोल बात आपने कह दी। और यही बात आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं कि प्यार ना तो डिंग मारता है, ना घमंड करता है, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। इन बातों को जब हम आज के दूसरे पाठ में देखते हैं, तो प्यार की जो परिभाषा है वह हमें यह बताती है कि अगर हमें प्यार देखना है
तो सर्वप्रथम हमें अपने माता पिता को देखना, उसे प्यार कहते हैं। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को सूखे में सुलाकर खुद गीले में सोने के लिए तैयार रहती है। बच्चा रात भर रोएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन माँ उसको अपने आंचल में रखती है, वह उससे परेशान नहीं होती है। कोई भी माँ जब उसका बच्चा बीमार रहता तो वह यह नहीं कहती कि मैं रात भर नहीं सोई क्योंकि ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था। वह यह कहती है कि ये परेशान था, इसको बहुत बुखार था। वह अपने विषय में नहीं कहेगी। और यही बात एक पिता का है जो कि अपने बच्चों के लिए सुबह से उठकर अपने परिवार के लिए सुबह से अपने पूरा परिश्रम करते हुए शाम को अपने बच्चों के लिए घर लौटता है। जब हम इन बातों को देखते हैं तो ये हमें सही प्यार की परिभाषा जो प्रभु स्वयं कहते हैं, जो आज संत पौलुस हमें सिखाते हैं प्रभु के प्रेम को कैसे हमें पाना है, कैसे पहचानना है। कई बार हम अपने प्यार के जो मूल जो शब्द है उसको गलत परिभाषाओं के अंदर हम उसका विवरण देते हैं कि हमें ऐसा होता है, और हमें जो दिखता है, जो हमें सिखाया जाता है, हम उसी पर फोकस करते हुए उसी को सीख लेते हैं। लेकिन जब हमें प्यार होता है, हम सभी को प्यार होता है, हम सभी को अपनों से प्यार होता है, हम सभी को अपने पेट से प्यार होता है, कुत्तों से, बिल्ली से भी प्यार होता है, जो हमारे साथ में रहते हैं, जिनकी तकलीफ में हम साथ में रहते हैं। हमारे यहाँ पर एक भटियारे हैं, उनके साथ में एक व्यक्ति जो जलेबी बनाता है, वो जलेबी एक्सपर्ट है। वो अकेला रहता है, अकेला व्यक्ति है, और उनकी उम्र करीब 40 साल की होगी। वह व्यक्ति एक दिन अपने घर अपनी साइकिल पे जा रहा था तो बहुत सारे गडरिये जाते रहते हैं, जो भेड़ लेकर जाते हैं। एक भेड़ गडरिये अपने कंधे पर लेकर जा रहा था तो उसने पूछा कि इसे क्या हुआ है। तो बोले कि ये चल नहीं सकता। बोले क्यों? बोले ये बीमार है और कुछ ही क्षणों में मर जाएगा। तो वह जो हमारे जलेबी वाले भैया थे, उन्होंने उनसे कहा कि तुमको इतनी दूर जाना है, मेरा घर पास में, अगर तुम मुझको दे दोगे तो मैं इसकी थोड़ी सी सेवा कर लूँगा। तो उसने कहा ठीक है, और तुमको अगर पैसे चाहिए तो मैं पैसे भी दे देता हूँ। उनके पास में 700 रुपये कुछ थे। तो उस चरवाहा ने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये आप इसे रख लीजिए, मुझे मालूम है ये मर जाएगा, जब तक हम दूसरे डेरे पर जाएंगे जब तक यह मर जाएगा। तो उस व्यक्ति ने, हमारे जलेबी वाले भैया ने, उसको एक दूध की बोतल में निप्पल लगाकर उसको दूध दिया, और दूध देते हुए फिर वह जहाँ वह आधा घंटा तक का जीवित नहीं रह सकता था, वहाँ पर वह एक घंटे तक का जीवित रहा। उसके बाद में फिर उसको प्यार किया और उसको संभाला और कुछ भी कर कुरा के वो जहाँ जहाँ पे जलेबी बनाने के लिए जाते थे वहाँ वहाँ उनकी रानी उनके साथ में रहती थी, उसका नाम उन्होंने रानी रखा था। जहाँ जहाँ जलेबी बनाते थे और कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आता था तो वो यह बोलते थे कि रानी मेरे साथ में रहेगी, और इसी उसके साथ में वो जाते थे कि अगर आपको भले से आप मेरे को 300 रुपये दो लेकिन रानी मेरे साथ रहेगी। तो वो यहाँ पर भी आए थे और उनकी रानी भी उनके साथ थी। तो हमने जब उनसे पूछा कि इसको दे दो हमको, नहीं मैं नहीं दूंगा। 4 महीने हो गए और वो रानी आज भी जीवित है, रानी उनके साथ में रहती है, जहाँ वो जाते हैं उनके साथ में रहती है। ये एक प्यार है जो कि एक प्रकार से हम पूरा की पूरा इस परिभाषा में सुनते हैं कि ना हम डिंग मारते हैं, ना वह किसी को मिटाने की कोशिश करता, एक अपने में एक बहुत ही सटीक जो व्यवहार होता है, जो हमारे दिल से लगा होता है, हम नहीं उसका विवरण कर पाते हैं, हम उसको एक डेफिनेशन में नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो प्रभु का वचन, जो संत पौलुस हमें प्यार के बारे में बताते हैं, ये वही प्यार है।
स्वयं प्रभु यीशु के बारे में इस प्यार को दर्शाया गया है। जैसा कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया। कई लोग अपने आप को इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को भगवान का दर्जा देना चाहते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करना चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें और लोग उनकी पूजा करें, लेकिन प्रभु यीशु स्वयं एक ईश्वर के पुत्र होने के नाते वह इस दुनिया में मनुष्य बनते हैं और इसका विवरण आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु अपने आप को उन लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं और वे लोग जो उनके अपने होते हैं वह उनको तिरस्कृत करते हैं, वह उनमें विश्वास नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक का ही सीमित नहीं रहते बल्कि वह उन्हें पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं और वहाँ से उनको गिराने का प्रयास करते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का व्यवहार हमारे साथ में किया जाएगा, लेकिन क्या यीशु अपने उस प्रेम को उन लोगों के प्रति नहीं प्रकट करते हैं? क्या प्रभु उनसे ईर्ष्या करते हैं? क्या प्रभु उन्हें तिरस्कृत करते हैं? क्या प्रभु उन्हें गलत शब्दों के माध्यम से उनको फटकारते हैं? नहीं, प्रभु उनके साथ रहते हैं और जब उसे क्रूस दिया जाता है, जब भी वह उन्हें माफ़ करता है, वह कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और यही बात का विवरण आज के प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि तुम्हारी माता के गर्भ से पहले ही मैंने तुमको चुन लिया है। और जब ईश्वर हमें चुनता है, ईश्वर हमें नियुक्त करता है, तो ईश्वर हमें बलवान बनाता है, भले ही दुनिया हमारे कितने ही विरोध क्यों ना हो। जैसा कि हम आज के प्रथम पाठ में सुनते हैं नबी एरेमियस के ग्रंथ में कि किस प्रकार लोग तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा, यह प्रभु का कहना है। कई बार हमारे जीवन में भी हम ऐसे ही मोड़ पर आ जाते हैं जब हम उस ईश्वर के प्यार को हमारे दिल से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जब हम उस ईश्वर को अपना सर्वस्व नहीं दे पाते हैं, तब हम उस प्रभु के प्रेम से दूर हो जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के परिपेक्ष में जब हम अपने आप को ईश्वरीय प्यार के लिए समर्पित करते हैं तो कई चुनौतियाँ हमारे सामने आती है, कई सारे ऐसे प्रयत्न हमारे सामने आते हैं कि हमें जो हिलाने का प्रयास करते हैं, जो हमें डगमगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमको वैसे ही चुना है जैसे कि हम थे और उसने हमको नियुक्त किया है कि जैसे हम बनेंगे। ये प्रभु का कार्य, प्रभु जब किसी को चुनता है तो वो वैसे ही चुनता है जैसे वह था। डेविड को जैसे चुना था प्रभु ने, उसको वैसे ही एक बालक के रूप में चुना था, लेकिन डेविड जो था वह जब धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जब उसके पास में समस्त साम्राज्य उसके अधीन आ जाता है, तो उसके अंदर वह बातें आप देख सकते हैं कि वह ईश्वर के कार्यों के विरुद्ध चले जाता है। यही बात हम साहुल के विषय में सुनते हैं कि उसको भी ईश्वर ने चुना और वह जैसा था वैसा ही उसको ईश्वर ने चुना। और यही बात हम पौलुस के जीवन में पाते हैं कि वो जैसा था उसको वैसे ही चुना। और कई शिष्यों के विषय में, कई प्रेरितों के विषय में हम पाते हैं कि जैसे वे थे उनको ईश्वर ने वैसे ही चुना। लेकिन कई बार हम हमारे जीवन में जब देखते हैं, कई बार हम कवर अप के लिए मास्क लगाते हैं, जब हमारे पास में पोजीशंस आ जाती है, हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ चेंज होने लग जाता है और ये हमें उस प्रभु से दूर कर लेता है, उस प्रभु से जो कार्य के लिए प्रभु ने जैसा हमको चुना है, हम वैसे नहीं होते हुए अपने आप को एक फ्रेम के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक फर्मे के अंदर अपने आप को ढालते हुए हम अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, करने लग जाते हैं। लेकिन क्या प्रभु हमें वही चाहता है कि हम अपने जो प्रेम का जो व्यवहार था उसको त्याग दें? क्या हम नफरत करने लग जाए? क्या हम घमंडी बन जाए? क्या हम घृणा करने लग जाए? क्या हम दूसरों की तुलना करने लग जाए? क्या हम डिंग मारने लग जाए? नहीं, प्रभु हमें यह कहता है कि तुम जैसे हो वैसे ही मैंने तुम्हें
चुना है, बाकी सब प्रभु के हाथ में होता है। प्रभु किसी ज्ञानी, किसी पंडित, किसी बड़े विद्वानों को नहीं चुनता है, प्रभु विनम्र हृदय वालों को चुनता है और उन्हें वह सशक्त बनाता है। ये प्रभु का कार्य है। आइए क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। जो प्रभु ने हमें जैसा चुना है, जैसे हम थे शायद आज हम वैसे नहीं होंगे, लेकिन हम हमारे व्यवहार को उसी प्रकार प्रभु को अर्पित करते रहे, उसी प्रकार प्रभु से जुड़े रहे जैसे हमें प्रभु ने चुना है, जैसे हमें प्रभु ने बनाया है। आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए इस पवित्र वेदी पर प्रभु को चढ़ाएं, जिससे कि हम प्रभु के कार्यों को निष्ठा भाव से कर सकें एवं लोग हमें जितना ही नीचा गिराएं, जितना ही हमें कठोर बनाएं, जितना ही हमारी बुराई करें, हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें और प्रभु से जुड़े रहें, जिससे कि हम प्रभु के सानिध्य में रहते हुए प्रभु के कार्य को निष्ठा भाव से, प्रेम पूर्वक, प्रभु की दया से हम दूसरों को प्रभु के वचनों का पैगाम सुनाते रहे और दूसरों को प्रभु के प्रेम का बखान करते रहें। आइए हम हमारे पूरे विश्वास के साथ में प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्राइस्ट में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा क्वारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस प्लातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मनुष्य को बुलाता है। हम उससे प्रार्थना करें कि पैतरुस के समान हम भी अपने पापों को पहचाने तथा अपने को अयोग्य माने और यीशु के बुलावे को स्वीकार कर उसका अनुकरण करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे संसार में तिरस्कृत किए जाने के बावजूद अपने मिशन कार्य में कभी निराश न हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। तिरस्कृत किए गए मिशनरी ईश्वर से शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त करें, ताकि वे अपने मिशन कार्य के द्वारा ज़रूरतमंदों की देखरेख अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो क्रिस्त यीशु क्रिस्त पर विश्वास करने के कारण अत्याचार सहते हैं, उनका विश्वास, आशा और उदारता सदैव बरकरार रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का विरोध करते हैं उन्हें सच्चाई की खोज करने के लिए ज्योति और यीशु का अनुसरण करने के लिए साहस मिले, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम में से प्रत्येक जन जो यहाँ उपस्थित हैं ईश्वर के संदेश वाहकों का आदर करें और उनके संदेशों को सुने, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारी सारी मनोकामनाएं प्रार्थनाएं प्रभु को अर्पित करें। हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे शहर के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस कोरोना की महामारी से हम सभी को बचाए, एवं उन तमाम भाई बहनों को जो इससे ग्रसित हैं उन्हें अपनी छत्र छाया में रखे, उन्हें अपना चंगाई भरा हाथ स्पर्श करके उन्हें चंगाई प्रदान करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, अपने आत्मा को हम पर भेज ताकि हम अपने विश्वास में दृढ़ होकर अपने मिशन कार्यों को भली भांति पूरा कर सकें। तू सदैव मिशनरियों के साथ रह ताकि वे अपने संदेशों के प्रति निष्ठावान बने रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु ईश्वर और ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान, रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्मसमर्पण लिए, रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्मसमर्पण लिए, प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए, ग्रहण करो प्रभु जी हमारी दान, थाली पर रोटी कटोरे में दाग से ले हम प्रभु के घर आए, ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हम अपनी सेवा के ये दान तेरे इस वेदी पर लाए हैं, इन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ, प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, उचित न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग जहां, प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में ओसाना। दाऊद के पुत्र को ओसाना, ओसाना ओसाना ओसाना, ओसाना ओसाना ओसाना। ई पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है, प्रभु के नाम पर हो आने वाला ऊंचे आकाश में ओसाना। दाऊद के पुत्र को ओसाना, ओसाना, ओसाना। ई पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, ई पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक
तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक माता पिता भाई बहनों का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर में आए, परंतु एक
कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम इन मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। अंतिम मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। हुआ संपन्न, ईश्वर को धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण बन से हम कहते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण बन से हम कहते हैं। धरा गगन के ईश्वर तेरी स्तुति हम गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम कहते हैं। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग में सदा गूंजित है स्वर, पावन पावन पर पावन। परम पिता परमेश्वर, उद्धारक सुत परमेश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी जय जय गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको, संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको।